हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज हम हमारे मिथिला का बहुत विशिष्ट व्यंजन मुरई का बर बनाने वाले हैं। मुरई हम मैथिली में मूली को कहते हैं और बर का मतलब है पकौड़ा। इसे बनाने में समय भी ज़्यादा नहीं लगता और बहुत कम मेहनत में बहुत ही स्वादिष्ट एक पकौड़ा तैयार होता है। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इसे बनाने के लिए हमने लिया है मूली, एक प्याज, इसे लंबा पतला काट लेना है, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक, ये है चावल भिंगोया हुआ, इसको पीस करके हमें एक पेस्ट बना लेना है, इसको हम पिठार कहते हैं, हल्दी, साबुत जीरा और कलौंजी। मूली को हम हल्का सा इस तरह से छील करके सभी को साफ कर लेंगे। हल्का सा इसे पील करना है, ज़्यादा नहीं इसे छीलना है। और इसे अब हम घिस लेंगे, कद्दूकस कर लेना है इसे हमें। ये हमारा सारा मूली कद्दूकस हो गया है, तो अब हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नमक मिला कर एक छोटा चम्मच हम इसमें नमक मिला लेंगे। और इसके बाद इसे मिक्स करके अच्छी तरह से कम 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर हम इसे रख देंगे, ताकि इसमें से पानी बहुत सारा निकल जाए, जिससे कि हम पानी निचोड़ देंगे बाद में इसका और हमारा पकौड़ा काफ़ी क्रिस्पी बने। तो इसे ढक करके अभी हम यहाँ रख देते हैं। अब हमें यहाँ पिठार पीस लेना है। ये भिंगोया हुआ चावल है, 2 से 3 घंटे हमने इसे भिंगो लिया था। ये कच्चा चावल है जो हम इडली बनाने के लिए यूज करते हैं, तो इसी चावल को हमें पीस करके इसका एक थिक पेस्ट बना लेना है। मिथिला में हम इसको पिठार कहते हैं, चावल का पिसे हुए इस पेस्ट को। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और पीसेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो हम बीच में थोड़ा सा और पानी मिक्स कर लेंगे, लेकिन पीसना हमें काफ़ी गाढ़ा है इसे। ये देखिए हमारा पिठार पीस चुका है। हमारे मिथिला में हम किसी पकौड़े में मिक्स करने के लिए बेसन का या कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी पिठार में हम तरह तरह का तरुआ, जिसको कि आप पकौड़ा कहते हैं, बहुत सारे सब्जियों का तरुआ हम तैयार करते हैं। अब इस घिसे हुए मूली में से हमें पानी निचोड़ करके निकाल लेना है और इसको पूरी तरह से इसे ड्राई कर देना है। नमक हमने इसीलिए डाला था ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए और हमारा पकौड़ा जो है वो क्रिस्प हो, चिपचिपा नहीं हो। इसी तरह से सभी मूली का हमने पानी हमें निकाल लेना है और बिल्कुल इसको हमें ड्राई कर लेना है, इस घिसे हुए मूली को। ये देखिए हमने सारे मूली के में से पानी निकाल लिया है और ये बिल्कुल अब सूखा हुआ लग रहा है। तो यहाँ पर अब इसमें मिलाएंगे हम नमक। नमक हम पहले मिला करके इसका रखे हुए थे, तो ये हमें ध्यान रखना है और हमें उसी हिसाब से यहाँ नमक मिलाना है। अब हम यहाँ इसमें डालेंगे पिठार। पिठार ये वही चावल का पेस्ट जो हम पीस करके तैयार किए थे। तो यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून ले रही हूँ, हमारा मूली जितना है उसके हिसाब से। तो ये ध्यान आपको रखना है, आपका पकौड़े का लिए मूली जितना लें उस हिसाब से पिठार यूज करें। प्याज कटा हुआ अब इसमें हम डाल देंगे। प्याज लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो प्याज को स्किप कर दें। हरी मिर्ची कटी हुई और धनिया पत्ता कटी हुई हम इसमें मिक्स करेंगे। अब इसी तरह से बाकी के मसाले, साबुत जीरा, हल्दी पाउडर और कलौंजी, इसको मंगरेला भी कहते हैं, इन सभी को हमें मिक्स कर लेना है एक साथ अच्छी तरह से।
इसी तरह से मिलाते हुए हमने इसको मिक्स कर लिया। ये हमारा अब तैयार हो गया है बॉर के लिए जो हमें मिक्स करना है। तो अब हम यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हमें यहाँ गैस ऑन कर लेना है और तेल गर्म कर लेना है पकौड़े बनाने के लिए। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम यहाँ तेल ले लेंगे। तेल हम लिए हैं सरसों का, क्योंकि हमारे मिथिला का जो भी हमारा ट्रेडिशनल सब्जी बने तो वो सब सरसों के तेल में ही हम बनाते हैं, और सरसों के तेल में ही उसका एक ऑथेंटिक टेस्ट आता है। अगर आप इसे रिफाइंड में बनाएंगे तो बॉर का जो असली टेस्ट है वो नहीं आएगा। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि तेल आप सरसों का ही लें। सबसे पहले हमें हमारा मूली का बॉर बना करके रख लेना है। बॉर को हम डायरेक्ट तेल में नहीं बनाते हैं। तो अब हाथ में हल्का सा पानी लगा करके इस तरह से आप चिपटा हल्का सा इस तरह से प्रेस करते हुए बॉर को बना लेना है। और ये आप कभी भी डायरेक्ट तेल में नहीं बनाएं। डायरेक्ट तेल में बनाने से क्या होता है कि कई बार ये स्प्रेड हो जाता है। तो इस तरह से प्लेट में सभी बॉर को बना लें, उसके बाद ही हम इसे गरम तेल में छोड़ेंगे। ज़्यादा हमें इसको पतला भी नहीं बनाना है, हल्का थोड़ा सा मोटा ही बनाना है हमें इसे। देखिए तेल गरम हो चुका है। तो इसी तरह से धीरे धीरे एक एक करके हम सारे बॉर को छोड़ देंगे तेल में। और जब तक ये एक तरफ से अच्छी तरह से पक नहीं जाता, हम इसे पलटेंगे नहीं। एक तरफ अच्छी तरह पकने के बाद ही हम इसे पलटेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। अब हम यहाँ तेज कर लिए हैं आँच, और इसे अब हम पलट देंगे, क्योंकि ये एक तरफ से होने लगा है। अब हम यहाँ इसे पलट देंगे क्योंकि एक तरफ साइड से ये हल्का सा लाल होने लगा है। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम सभी को पलट देंगे बारी बारी से। आप देख सकते हैं हमें करीब करीब 5 मिनट लगा है इस कलर को आने में बॉर को। और हल्का सा अब हमारा जब एक साइड वो पक गया है तो इसे हम इस तरह से प्रेस करते हुए इसे थोड़ा सा दबा देंगे, ताकि ये और हल्का सा पतला भी हो जाएगा और क्रिस्प होगा। तो इस तरह से दबा लेना है यहाँ पर। और अब इसे फिर दूसरी साइड भी इस साइड से भी अच्छी तरह से हमें पकने देना है। इसे पकने में यहाँ पे अभी इस साइड से भी कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा, उसके बाद ही हम पलटेंगे इसे। ये देखिए 4 मिनट करीब हमारा हो चुका है। तो अब हम फिर से इसे सभी को पलट देंगे, और इसे हमें अच्छा गोल्डन कलर लाना है, तब तक तलना है हमें इसे। इस बॉर को हम लंच के समय खाने में मेन प्रयोग करते हैं। जैसे आप चावल दाल कोई रस्से वाली सब्जी है तो उसके साथ हम ये खाने में इसका प्रयोग करते हैं। कोई इस तरह का पकौड़ा हमारे यहाँ खाने का बहुत ज़्यादा चलन है, मूली का बर हो या कोई तरुआ जो हम पिठार पीस के रखे हैं उसमें बनाया हुआ, ये हमारे मिथिला का खाने का अभिन्न अंग है। तो इसी तरह से पलटते रहेंगे हम बीच बीच में, और इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है। तो अभी ये हुआ नहीं है, अभी कम से कम अभी हमें इसे पलटते हुए 4 से 5 मिनट और समय लगेगा इसे पकाने में।
हल्का सा प्रेस कर दें जिससे ये और भी अच्छी तरह से क्रिस्प हो। वैसे तो हमने जो पिठार यूज़ किया है इसे बनाने के लिए उससे ये बहुत क्रिस्प होता है, और हमारे मिथिला में हम किसी भी चीज़ को बनाने इस तरह के पकौड़े या तरुआ के लिए कभी भी बेसन कॉर्नफ्लोर सब यूज़ नहीं, तो हमारा जो भी पकौड़ा या तरुआ होता है वो बहुत ही क्रिस्प होता है। अब देख रहे हैं इसी तरह से हमें बीच बीच में चलाते रहना है, उसे छोड़ना नहीं है, और तेज आंच पर ही अब इसे हम बनाएंगे। चार मिनट करीब हमारा हो चुका है। पूरी तरह से पक के तैयार है, गैस हमने यहाँ बंद कर लिया, और अब इसे हमें निकाल लेना है। ये हमारा बर बनके अब तैयार है, तो आप भी इसे बनाएं और हमारे मिथिला के खाने का स्वाद जानें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में हमारे मिथिला के किसी नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।